दी प्रिंट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। सबके जेहन में ये सवाल है कि किसान आखिर सिंगू बॉर्डर से लेकर लोनी बॉर्डर तक इकट्ठा हैं, लगातार वो पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इस ठंड के मौसम में भी वो डटे हुए हैं, जमे हुए हैं, लेकिन सरकार जो कह रही है कि वो बातचीत के लिए तैयार है, 3 दिसंबर को बातचीत होगी, लेकिन सरकार एक कदम आगे क्यों नहीं बढ़ाती, सरकार जाकर किसानों से क्यों नहीं मिलती, या फिर किसानों को ऐसा क्यों लग रहा है कि सरकार केवल लिप सर्विस कर रही है, सरकार की जो इंटेंशन है वो बिल्कुल सही नहीं है। तो आखिर सरकार के पास ऑप्शन क्या है, मोदी सरकार के सामने किसानों की जो मांग है, दोनों के बीच में बातचीत कहाँ पर संभव हो सकती है, यानी कि मीटिंग ग्राउंड क्या हो सकता है, और सरकार किस सीमा तक आगे जा सकती है। तो प्योर पॉलिटिक्स में बात किसान और सरकार के बीच के डेडलॉक की। तो सबसे पहले पिछले 2 दिनों में घटनाक्रम क्या हुआ है, इस पर एक नज़र डालते हैं। कल रात में एक हाई प्रोफाइल मीटिंग हुई जेपी नड्डा के घर पे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके घर पे, जिसमें कि अमित शाह, राजनाथ सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर सारे लोग मौजूद थे और उन्होंने इस डेडलॉक पे एक लंबी चौड़ी चर्चा की। लेकिन चर्चा के बाद आज के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस चले गए हैं, जहाँ पे कि देव दीपावली होती है, उस कार्यक्रम में उन्हें शरीक होना है। इसके अलावा राजनाथ सिंह एक अलग प्रोग्राम में लखनऊ में चले गए हैं। तो इससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि सरकार जो भी मंथन कर रही है वो कहीं ना कहीं बहुत ही एग्रेसिव होकर किसानों से बातचीत नहीं करना चाहती। लेकिन सरकार के रुख में पिछले अगर 2-3 दिनों का घटनाक्रम देखें तो उसमें एक तब्दीली आई है। कल अमित शाह ने जो हैदराबाद में एक स्टेटमेंट दिया, वो स्टेटमेंट से ये साबित होता है कि सरकार के रुख में सरकार कहीं ना कहीं देख रही है कि ये किसान का जो आंदोलन है वो भले ही पंजाब सेंट्रिक है, लेकिन इसका जो पूरा नैरेटिव है वो पूरे देश में जा रहा है। और इसलिए अमित शाह ने ये बात कही कि हम कभी भी ये नहीं मानते किसानों का जो आंदोलन है वो मोटिवेटेड है, यानी कि बहुत सारे जो बीजेपी के लीडर ये एलिगेशन लगा रहे हैं किसान आंदोलन पर कि ये कहीं ना कहीं कांग्रेस स्पॉन्सर्ड है, ये कहीं ना कहीं अकाली स्पॉन्सर्ड है, तो उस पर अमित शाह ने एक तरह से पानी डालते हुए कहा कि वो कतई नहीं मानते कि ये एक स्पॉन्सर्ड है, ये प्रायोजित एक तरह से आंदोलन है। अब सवाल है कि सरकार अगर ऐसा नहीं मानती कि ये प्रायोजित नहीं है, ये किसी अमरिंदर सिंह स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये सुखबीर बादल स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये सिर्फ पंजाब के किसानों का मसला नहीं है, तो सरकार फिर आगे क्यों नहीं आती। ये जेहन में सब लोगों के जेहन में सवाल है कि सरकार जो ये बार बार कह रही है कि 3 दिसंबर को बातचीत होगी और उसके लिए जो होम सेक्रेटरी है उन्होंने चिट्ठी भेजी है, सरकार ने एक उस चिट्ठी में ये भी कंडीशन लगाया था कि पहले वो दिल्ली के बॉर्डर पे आ जाएं और वो जो बुरारी का ग्राउंड है वहाँ पे इकट्ठे हो जाएं और उसके बाद बातचीत होगी, तो सरकार इतनी रिलक्टेंट क्यों है, सरकार की तरफ से वो एग्रेसिव अप्रोच क्यों नहीं दिख रहा कि सरकार आगे बढ़कर किसानों के डेलीगेशन से मिलने के लिए किसी केंद्रीय मंत्री को खुद भेजे, नरेंद्र सिंह तोमर जाएं या मंत्रियों का एक डेलीगेशन जाए जो किसानों से मिले और उन्हें बातचीत की टेबल पर लाए। सरकार की दुविधा क्या है, सरकार की दुविधा प्रधानमंत्री के जो कल की मन की बात का जो कार्यक्रम था उससे आप कहीं ना कहीं एक तरह से निकाल सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि ये जो बिल है वो किसानों के पक्ष का है और सरकार के मंत्री लगातार इस बात को कह रहे हैं, राजनाथ सिंह ने भी कल स्टेटमेंट दिया कि ये जो प्रो रिफॉर्म बिल है ये किसानों की भलाई का बिल है। सरकार जनरली ये मानती है, सरकार ये मानती है कि ये जो विधेयक है ये किसानों के भविष्य को उज्ज्वल करेगा, उनके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा, एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा और किसान कहीं ना कहीं उनकी जो आय होगी ज़्यादा होगी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि सरकार जो अपना रुख है, जो मॉनसून सेशन में जो बिल पारित हुआ है उससे पीछे जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि सरकार को लगता है कि अगर इस विधेयक पे झुक गए तो एक बड़ी स्थिति, कम से कम अपोजिशन इसको कहेगा कि अपोजिशन की ये कामयाबी है, कांग्रेस इसको कहीं ना कहीं पोलिटिकली भुनाने की कोशिश करेगी कि उनकी जीत हुई, और सरकार अगर अपने पास हुए लेजिस्लेशन पर झुक गई तो एक तरह से जो मोदी सरकार पिछले आप 6 सालों में सिर्फ एक
लेजिस्लेशन पे एक तरह से झुकी है। भूमि अधिग्रहण का जो मसला था जिसको कि सरकार को बैकट्रैक करना पड़ा, उसके अलावा ज़्यादातर जो लेजिस्लेशन है, ज़्यादातर जो सरकारी एजेंडे हैं, 370 पे इतना विरोध हुआ, आप देखें कि CA पे इतना विरोध हुआ, लेकिन सरकार अपने एजेंडे से पीछे हटने को तैयार नहीं हुई। तो अगर इस किसानों की बेहतरी के मुद्दे पर, जो कि सरकार एक बड़ा रिफॉर्म मान रही है, उसके मुद्दे पर अगर सरकार पीछे चली जाएगी, बैकट्रैक कर जाएगी, कहीं ना कहीं मोदी सरकार की करारी हार के तौर पे इसे प्रचारित किया जाएगा और देखा जाएगा। तो इसलिए सरकार उस मुद्दे पर पीछे नहीं हटना चाहती। दूसरा जो सरकार की एक स्ट्रैटजी है, सरकार ये भी देख रही है कि किसानों का जो आंदोलन पिछले 2 महीने से जारी है पंजाब में, लेकिन देश के बाकी हिस्सों में इसका कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं हो रहा। सरकार कहीं ना कहीं इस किसान आंदोलन को अपनी गति से थकाना भी चाहती है, जो सरकार की स्ट्रैटजी हो सकती है कि किसान अपने आप थक जाएंगे और उसके बाद फिर कहीं ना कहीं बातचीत की टेबल पर आएंगे। इसलिए पंजाब में उस स्ट्रैटजी के तहत सरकार ने जो रेलवे के ट्रेन थे और जो गुड्स ट्रेन थे उनको अलाउ नहीं किया, ताकि किसान कहीं ना कहीं थक जाए, वहां पे सप्लाई बंद हो जाए, वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद हो जाए और उसके बाद कहीं ना एक प्रेशर बिल्डअप हो और जिसके कारण किसान जो है बातचीत की टेबल पे आ जाए। लेकिन सरकार की ये जो स्ट्रैटजी है वो हो सकता है इसलिए कामयाब नहीं हो क्योंकि किसान अब दिल्ली के दरवाजे पर हैं और किसान कह रहे हैं कि दिल्ली का जो 5 एंट्री पॉइंट है उसको वो बंद कर देंगे। अगर वो ऐसा करते हैं सचमुच में, तो दिल्ली में तमाम जो आवश्यक सुविधाएं हैं, जो वस्तुएं हैं, जो सब्जियां हैं, दूध हैं, इनकी सप्लाई पे काफ़ी असर पड़ेगा और वैसी स्थिति में सरकार को कोई फौरी कदम उठाना पड़ेगा। और चूंकि किसान, जो सरकार की स्ट्रैटजी थी कि वो बुरारी ग्राउंड पे चले जाएं और वहाँ पे ग्राउंड पे जाने के बाद वो एक तरह से दिल्ली का आउटर इलाका है और वहाँ पे उसके बाद बातचीत की शुरुआत हो, किसान उस स्ट्रैटजी को उन्होंने भांप लिया, इसलिए वो जो दिल्ली के एंट्री पॉइंट हैं वहाँ पे जमे हुए हैं। आइदर वो जंतर मंतर पे एक तरह से आकर जो अन्ना का आंदोलन था उस तरह का एक मूवमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, जो सरकार इस स्ट्रैटजी को समझ रही है इसलिए जंतर मंतर नहीं आने देना चाहती। तो अब सवाल है कि सरकार के पास मीटिंग ग्राउंड क्या है, कि इस पूरे विवाद में, इस पूरी कंट्रोवर्सी में क्या बीच का रास्ता निकलता है। कल की जो बैठक हुई उससे सरकार की स्ट्रैटजी का कोई खास अंदाजा नहीं मिलता। सरकार की वो पुरानी स्ट्रैटजी है कि अभी किसानों के पेशेंस को और ट्राई किया जाए, उस जो फार्मर्स यूनियन है उनके पेशेंस को और ट्राई किया जाए, और सरकार एक तरह से ओली ब्रांच उनको नहीं देना चाहती कि जाकर उनके दरवाजे पर जो गलती UPA की सरकार ने किया था उस गलती को सरकार नहीं दोहराना चाहती। तो सरकार कहीं ना कहीं एक बीच का रास्ता खोजने की कोशिश कर रही है कि जिसमें कि बाकी जो उनकी डिमांड्स हैं उस पर एक कंसिडरेशन हो सकता है, बातचीत हो सकती है, जिसमें किसानों की एक डिमांड है कि जो इलेक्ट्रिसिटी का जो अमेंडमेंट है, जो कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी उन्हें मिलती है, उस पर कहीं ना कहीं कोई बातचीत हो सकती है। जो पराली जलाने को लेकर एक सरकार की तरफ से कड़ी कार्रवाई की गई है कि उन्हें 1 करोड़ का जुर्माना होगा, उस पर बातचीत हो सकती है। और कहीं ना कहीं जो बिल का एक जो प्रोविज़न है कि कोई भी अगर डिस्प्यूट होगा तो वो SDM कोर्ट में जाएगा, किसान उसके विरोध में है, वो कहते हैं कि किसान कैसे SDM कोर्ट में जाकर अपनी सुनवाई करेगा और वो ढेरों लाखों करोड़ों ऐसे मामले लंबित हो जाएंगे। तो क्या सरकार उस पॉइंट पे किसानों की बात मान सकती है? MSP का जो मुद्दा है, सरकार अभी फिलहाल बिल्कुल नकार रही है कि MSP की जो बात है वो कानून में नहीं लिखी जा सकती। एक तरह से रिटर्न, जो किसान संगठन कह रहे हैं कि वो रिटर्न में लिखा होना चाहिए, किसान सरकार उससे इनकार कर रही है। लेकिन बातचीत की टेबल पर आने के लिए ज़रूरी है कि सरकार अपनी तरफ से कुछ ऑफर करे जिससे कि किसान मेज की टेबल पर आए, जो सरकार फिलहाल करती नहीं दिख रही है। सरकार के जो बैकडोर चैनल के जो लोग हैं वो इस फार्मूले पर काम कर रहे हैं कि जो किसानों की बाकी मांगे हैं उस पर कहीं ना कहीं मीटिंग ग्राउंड बनाया जाए। लेकिन सरकार का जो फिलहाल जो एटीट्यूड दिखता है, जिसमें कि लगातार रविशंकर प्रसाद से लेकर प्रकाश जावड़ेकर और तमाम मंत्री इस बात को ही इंडोर्स कर रहे हैं कि ये बिल कितना रिफॉर्मिस्ट है, इससे किसानों का कितना भला होगा, तो यानी कि सरकार जो क्रूशियल बिल का एलिमेंट है उससे पीछे हटने को तैयार नहीं है और वो अपनी बात मनवाने के लिए किसान संगठन से हामी चाहती है, या फिर सरकार कहीं ना कहीं उनका पेशेंस ट्राई करना चाहती है और इस के बीच का कोई रास्ता निकल जाए, उनके पेशेंस उनका चुक जाए और इसके बीच में सरकार कोई रास्ता निकाल ले, ये सरकार की स्ट्रैटजी हो सकती है। तो इन दोनों के बीच में एक तरह से डेडलॉक बना हुआ है। अब देखने वाली बात होगी कि किसान संगठन 3 तारीख की जो बैठक है उसके लिए आते हैं या नहीं आते, या सरकार झुकते हुए अपनी तरफ से कोई डेलीगेशन, सेक्रेटरीज का डेलीगेशन, अधिकारियों का डेलीगेशन किसान संगठनों के पास भेजती है बातचीत करने के लिए, या फिर मंत्रियों का डेलीगेशन जाता है। हालांकि सरकार इससे बचना चाहेगी।
शंकर एनिमेश द प्रिंट, लेकिन आप अपने कमेंट्स अपने रिएक्शन हमें भेजते रहें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।